संत रविदास मंदिर पर राजनीति जारी। आपका बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी को बताया मुगल बादशाह बाबर जैसा, बीजेपी ने किया पलटवार। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर को तोड़े जाने पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और बीजेपी की तुलना मुगल बादशाह बाबर से की। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि सरकार के मंत्री ने डीडीए के उपाध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री से लेके शहरी विकास मंत्री सबको पत्र लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन किसी का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये इनकी संवेदनहीनता को और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ तुम कहते हो बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी रूपी बाबर ने संत रविदास के मंदिर को जो तोड़ा है, तुमने भी बाबर जैसा ही काम किया है। ये बाबरी कार्रवाई अपनी बंद करो और इस पर जल्द से जल्द आदेश पारित करो, ये हम लोग फिर से दोहराना चाह रहे हैं। संजय सिंह का ये आरोप बीजेपी के गले नहीं उतरा और पार्टी की ओर से सांसद विजय गोयल ने आपके आरोपों पर पलटवार किया। गोयल ने कहा, बीजेपी सरकार रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इस मसले पर सियासत कर रही है। इस मामले में 11 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी थी और तुगलकाबाद में जिस वन भूमि पर रविदास मंदिर बना था उसे डीनोटिफाई करने की मांग की थी। इस खत पर जवाब न मिलने के बाद आपने डीडीए और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और साफ किया है कि मंदिर की जमीन नहीं दी गई तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सदन के अंदर कहा था कि इसको डीनोटिफाई करके मंदिर का रास्ता बन सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चिट्ठी खुद लिखी थी 29 अगस्त को कि चूंकि लैंड रिव्यू एजेंसी डीडीए है तो हरदेवपुरी जी को, तो बाद में सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी, सीएम साहब ने 11 सितंबर को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जो चिट्ठी मैंने लिखी थी 29 अगस्त को डीडीए के वाइस चेयरमैन को, चिट्ठी में जब कोई जवाब नहीं आया, मैंने पर्सनल उनको फोन किया था, फोन पे भी उन्होंने कहा था कि मैं इस पे जल्दी आपको जवाब दूंगा, लेकिन मेरे फोन करने के बाद भी आज तक कोई जवाब, तब से कम 15-20 दिन हो गए इस बात को, आज तक भी डीडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता लगता है, उनकी दलित विरोधी मानसिकता का पता चलता है। संत रविदास दलित समाज के पूजनीय हैं। इनका मंदिर दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित था जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में डीडीए ने दावा किया था कि जमीन सरकार की है और ग्रीनलैंड होने की वजह से यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के इस दावे पर मुहर लगाई और मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे संत रविदास जयंती समिति समारोह को हार का सामना करना पड़ा। संत रविदास के मंदिर को तोड़े जाने के चलते पूरे देश में दलित समुदाय के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। 21 अगस्त को हुए प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद समेत 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था। वहीं मंदिर तोड़े जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। इसे लेकर तमाम सियासी दलों ने भी जमकर राजनीतिक दांव चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सभी दलों ने संभल कर बयानबाजी की, लेकिन अब मंदिर के लिए जमीन आवंटित करने के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेर रही है और दलित विरोधी बताकर बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।